सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी जीवदानी मंदिर पर पहुंच गया हूं। मंदिर के इधर तो ऊपर आपको दिख रहा होगा वो मंदिर है, वो देख लीजिए। उधर से रास्ता बना है, ऊपर दिख रहा होगा, वहां पर जाना है अभी पहाड़ पर। तो अभी मैं वहां पर जाता हूं और देखता हूं अभी कितना टाइम लगेगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और आपको ले चलते हैं वहाँ पर, मंदिर के ऊपर ले चलते हैं, फिर वहाँ पर दिखाते हैं कैसे क्या है। ये देख लीजिए, मेरे दोस्त हैं, मैं और मेरा दोस्त आया है, तो हम दोनों जा रहे हैं मंदिर पर अभी। देख लीजिए, ये गेट है, अभी यहाँ से गेट से जाना है हमको। और ये मैंने एक वो लिया, जय माता दी की गानी लिखा हुआ है, ये ले लिया पानी के लिए। और ये देखिए ऊपर से, इधर से ये गेट है, इधर से जाना है हम लोगों को। तो अभी मैं और मेरा दोस्त यहाँ से चलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये एंट्री है, यहाँ पर एंट्री गेट है, ऐसे यहाँ से जाना है। तो देख लीजिए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं और बोलते हैं ये 1600 सीढ़ी है, 1600 सीढ़ी जाकर चलना है, उसके बाद में फिर जीवदानी मंदिर ऊपर आएगा, पहाड़ पर है। 1600 सीढ़ी हम लोगों को चलना है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या हालत होती है चलने के बाद में। चलते हैं अभी, 1600 सीढ़ी जाना है। ये जीवदानी जो है विरार में पड़ता है, विरार स्टेशन के बाजू में ही है, कोई भी अगर आता है मुंबई में तो आ सकता है, विरार स्टेशन से आ सकता है। देखिए गाइस, ये प्रसाद मैंने ले लिया है अभी ऊपर जाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद मैंने ले लिया है। और बहुत ही ऊपर जाना है, 1600 सीढ़ी है, बहुत ही गर्मी हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, बैठ गए थे यहाँ पर, अभी 100 सीढ़ी हम लोग चढ़ के आए, अभी 1500 सीढ़ी और जाना है। मेरा दोस्त भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो बैठा है, थक गया था, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद अभी जाएंगे, 1500 सीढ़ी और जाना है। टोटल 1600 सीढ़ी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो, हम लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, मतलब 100 सीढ़ी ही गए हैं। वहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा घर वगैरह, वो दिख रहा होगा, ग्राउंड वगैरह है वहाँ पर। देख तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, जैसा कि सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियों पर, आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में हम लोग उतरे हुए हैं। चलिए अभी और ऊपर जाना है दोस्तों, तो चलिए अभी ले चलते हैं आपको वहाँ पर, दिखाते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हो, मैं ऊपर आ गया हूँ, बस अभी थोड़ा है दूर बाकी है, ज़्यादा दूर नहीं बाकी है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी बस मैं मंदिर में चढ़ने वाला हूँ, मंदिर के गेट पर आ गया हूँ, मंदिर में जाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पीछे मंदिर की तरफ जाएगा, ये रास्ता मंदिर की तरफ जाएगा। अभी मैं ऊपर पहुँच गया हूँ, यहाँ से डायरेक्ट मंदिर में जाना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट मंदिर में ऊपर, अभी यहाँ से। दोस्तों बहुत टाइम लगा और हम लोग एकदम से बिल्कुल थक गए, बीच बीच में रुक के हम लोग आए, बहुत ज़्यादा रुक के आए, क्योंकि बहुत ही दूर है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, पूरा पहाड़ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 1600 सीढ़ियाँ हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो गाइस मैं अभी अंदर जा रहा हूँ बिल्कुल मंदिर में, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको घंटी भी सुनाई दे रहा होगा। देख लीजिए यहाँ से एंट्री है ये।
ये देख लीजिए गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अब मैं एकदम से मंदिर में आ गया हूँ। सो गाइस अपने दर्शन कर लिया हूँ और अभी इधर ऊपर की तरफ आया हूँ, ऊपर मंदिर में जा रहा हूँ, अभी दर्शन हो गया है। और दोस्तों मैं मंदिर के अंदर का फ़ोटो नहीं ले पाया, जी का फ़ोटो नहीं ले पाया, क्योंकि इधर अंदर फ़ोटो के लिए सब लोग मना कर रहे थे तो अंदर फ़ोटो नहीं ले पाया। अभी दर्शन वगैरह हो गया है और अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार नीचे का दृश्य कैसा है, यहाँ से नीचे कैसा दिखा। तो ये देख लीजिएगा मंदिर से ऊपर को, तो ये देख लीजिएगा जब मैं ऊपर पहाड़ से जीवानी मंदिर के ऊपर यहाँ पर आया हूँ, वहाँ से दिखा रहा हूँ नीचे कितना छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है। देख लीजिए ये बिल्डिंग वगैरह कितना छोटा छोटा है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही ऊपर है जीवानी जी का मंदिर, ऊपर है 1600 सीढ़ियों के ऊपर है, पहाड़ पर है। तो देख लीजिए बहुत ही छोटा सब कुछ दिख रहा है। ये देख लीजिए गाइस मैं ऊपर की तरफ अभी जा रहा हूँ, यहाँ पर गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बैठने के लिए बहुत ही यहाँ पर स्पेस से ज़्यादा है, यहाँ पर सबको बैठ वगैरह सकते हैं अपना आराम से, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ पर बैठ सकता है। गाइस जी अंदर देख लीजिए, एक केज है, एक पिंजरे के जैसा बनाया हुआ है लोगों ने जी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं अंदर, छोटे बड़े सब हैं, आवाज़ जैसा कि आपको आ रहा होगा। यहाँ पर तोता भी है बहुत बड़ा बड़ा अंदर में है, सब आपको नहीं दिख रहा है क्यों। ये देख लीजिए ऊपर से अभी मंदिर के इधर ऊपर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कितना छोटा छोटा बिल्डिंग वगैरह सब दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से कितना छोटा सब दिख रहा है, जो बिल्डिंग है घर वगैरह है सब कुछ। और यहाँ पर भी ऊपर आया हूँ, अभी एक मंदिर यहाँ पर भी है ये छोटा सा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग मंदिर में आए और दर्शन वगैरह हो गया, अच्छे से सब कुछ हो गया। बस दोस्तों सॉरी चाहता हूँ कि मैं अंदर का मंदिर का फ़ोटो नहीं ले पाया, और क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए फ़ोटो नहीं ले पाया और वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि दोस्तों कैमरा अलाउड नहीं था। और दोस्तों अभी सब कुछ अच्छे से हो गया, जीवानी जी का दर्शन भी हो गया और हम लोग अभी घर पर जा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ नए वीडियो में, सब्सक्राइब करें।